अगली खबर कन्नौज से है, जहां भू माफिया से परेशान सेना का जवान न्याय के लिए भटक रहा है। अपनी पैतृक जमीन पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बताया जाता है कि भू माफियाओं के खौफ के चलते अपने परिवार का पलायन कर चुका है। इतना ही नहीं, भू माफियाओं के खौफ के कारण भीषण गर्मी में बुलेट प्रूफ जैकेट व हेलमेट पहनकर गांव से सेना का जवान निकलता है। जवान 2017 से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, सेना का जवान जगत सिंह। बताया जाता है कि आगरा में सेना का जवान तैनात है और पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगा चुका है। गुरसहायगंज कोतवाली अंतर्गत करमुल्ला गांव का पूरा मामला है। क्योंकि एक दिन पिताजी माताजी आए थे महा महीने में, वो हाँ महा फागुन में, तब उस समय जो है उन्होंने हमला कर दिया और हमला करके जैसे हाँ 112 पुलिस को फिर हमने बुलाया तो 112 पुलिस ने 112 पुलिस ने जो है हमको जाकर इन्होंने शरण ली। कितने ली? माता पिता ने। और वहाँ से हमको फोन किया और बताया कि ये जो है हमारे पर हमला हो गया है। तो हमने 112 पुलिस को जानकारी दे दी, अपने सेना के अधिकारियों को जानकारी दी और उनको जानकारी देने के बाद में 112 पुलिस की मदद मिली, तब जाकर बच पाए। तब इन्होंने हमला कब हुआ था? ये मार्ची महीने में। नाम है, कौन से पोस्ट पे तैनात है और कहाँ तैनात है? मेरा नाम सिपाही जगत सिंह है और सिपाही के पद पर हूँ और वर्तमान में मैं आगरा में तैनात हूँ। अच्छा, गाँव कौन सा गाँव है ये आपका? ये गाँव करमुल्लापुर है और तहसील छबरामऊ के अंतर्गत आता है, जनपद कन्नौज। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि 2.5 साल से हम गांव से पलायन कर चुके हैं। रीजन इसका कारण ये है कि जो हमारी पैतृक घर था पहले उस पर कब्जा किया गया, जो कि और अंदर पड़ता है। किसने कब्जा किया? इन्होंने। कौन? ने। फिर हमने इसकी जानकारी अपने अधिकारी जो SP साहब थे, जो DM साहब से, उनसे गुहार लगाई। ये है 2017 की बात, जब BJP की सरकार बनी ही थी। उस समय जो काफी शक्ति चल रही थी, तुरंत जो सरकार आई एक्शन में और उस मकान को हमें वापस दिलाया गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि मेरी ही जमीन जो रोड के किनारे पड़ती है, खेती उसी पर जाकर के इन्होंने कब्जा करा दिया। कितने बीघा? 4.5 बीघा। अच्छा। उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है इस समय। तो मुझे जानकारी हुई, मैंने आकर के वो उसकी आपत्ति लगाई और वो कार्य रुकवाया। जब कार्य रुकवाया, थाना दिवस में अपनी बात रखी, तो थाना दिवस में ही सभी अधिकारियों के सामने उसने कहा हमसे कि या तो तुम गांव छोड़ दो और नहीं तो तुम्हें मरवा देंगे या फिर तुम्हें फर्जी केस में फंसा देंगे। मैंने उसी बात को देखते हुए, क्योंकि पूरे गांव पे 29 मुकदमे लगा रखे हैं, 29 मुकदमे के अंतर्गत सभी लगभग गांव के सभी लोग इसके उस फर्जी मुकदमों में प्रताड़ित हैं और लोग जो है गाँव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। छाकुरों के 5 घर पहले ही जा चुके हैं, जो पूरी तरह से सफाया हो चुका है। 7 घर थे, 5 घर जा लिए, 2 ही रह गए हैं। इसके बाद में मेरा नंबर पड़ा तो मुझे भी अपना सैन्य सुरक्षा के अंदर में परिवार को ला जाना पड़ा, क्योंकि एक दिन मेरी पत्नी पूजा करने मंदिर में गई, इन्होंने मंदिर पे हमला कर दिया, जिसकी FIR 311/2022 है, उसके अंतर्गत पूरा मैटर अंकित है। और फिर ये देखते हुए हमने अपनी पत्नी को भी, परिवार को व माता पिता को लेकर के सैन्य परिवार में। अभी आप घर में आए हैं, क्या रीजन था घर में, क्या? अभी मेरी जो जमीन उसमें जा रही थी हाईवे में, अधिग्रहित की गई थी, तो उसमें जो है वो जमीन पे ये अपना हक जता रहे हैं, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं था। तो योगी सरकार से क्या मांग है? योगी सरकार से हमारी ये मांग है कि योगी सरकार के अंतर्गत अगर ये इतना बाहुबल है इसके अंदर, तो अब और सरकारों में फिर क्या होता होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, किसी भूमाफिया को सिर उठाने की कोई अनुमति नहीं है। मार्च 2017 का जो पत्र है सरकार का, ये भूमाफिया कौन है? ये भूमाफिया ये भगवतदयाल यादव रिटायर्ड लेखपाल है। कहाँ रहता है ये? यहाँ से 5-6 घर बाद में रहता है, जिसने तालाब पे कब्जा करके, सुना एक सरकारी जमीन भी गहरा है, वो कितनी जमीन है? सरकारी जमीन लगभग 50 बीघा है, एक तालाब इसने कब्जा किया हुआ है और इसके गुंडों ने कब्जा किया हुआ है। अभी तक आपने कहाँ शिकायत की? अभी तक हमारी 3 बार मुख्यमंत्री महोदय के दरबार में जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो वहाँ पे जो उनके अधिकारी थे उनको हमने ये अपनी पूरी आपत्ति दर्ज कराई और बताया पूरी कहानी को। आप देश की सेवा करते हैं, एक तरफ किसान और जवान सर नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान, तो क्या लगता है सरकार कहीं फेल हो रही है? एक जवान को न्याय दिलाने के लिए इतना कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है तुम्हें? नहीं, सरकार कहीं फेल नहीं हो रही है, मुझे पूरी उम्मीद है सरकार पे। लेकिन जो सरकार के अंतर्गत जो कार्य करते हैं वो सरकारी नीतियों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, वो सरकार के पक्ष में कार्य नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि मार्च 2017 को एक पत्र जारी किया सरकार ने कि किसी भी मुआवजा को हम इसमें पनपने नहीं देंगे, उसके आपको लीगल प्रोटेक्शन ये हैं, आपको ये अधिकार दिए जाते हैं, कृपया जो भी अधिकारी कर्मचारी है भूमाफिया पे कार्रवाई करें, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई अभी। क्या लगता है इतना बड़ा भूमाफिया आपको परेशान कर रहा है, गाँव को परेशान करता है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है? इसका कारण है कि जो प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका विवश या इस तरीके से असहाय हो जाना, उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि उसने जो है डीएम साहब पे, एसडीएम साहब पे और तहसीलदार पे तीन तीन फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं। क्या योगी जी से अब क्या मांग है? योगी जी से मेरी मांग ये है कि इसमें जो उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, स्थानीय जो स्तर है उससे अगर जाँच कराएंगे तो वही लीपापोती होती रहेगी, और उसके दबाव में उसके डर की वजह से कोई भी स्पष्ट रूप से कोई बात रखी नहीं जाती, कोई कही नहीं जाती है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि जब तक हम अंतिम सांस तक, एक सेना का मेरा एक रूल उसूल होता है कि अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ते हैं, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद में जब हमारे पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और दुश्मन हम पे हावी होता है तो फिर उसमें हमारे अपना एक निजी बहुत बड़ा फैसला होता है, उस फैसले को लेकर के अपने आप को बलिदान कर देता है और सामने दुश्मन को परास्त करने की जो कार्रवाई हो वो करते हुए अपने आप को बलिदान करते हैं। वही मैं भी करूंगा कि मुझे अगर बलिदान होना पड़ा तो मैं बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं किसी भी तरह से अपने आप को कायरतापूर्ण रूप से मैं अपनी मृत्यु नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से ब्लड प्रूफ जैकेट हेलमेट के साथ में मैं अपने गाँव में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे इसके लिए बाधित होना पड़ा, बड़ा मजबूरी में ये पहन के आ रहा हूँ। आप देख रहे हो इतनी गर्मी में अगर कोई छुट्टी के दौरान अपना ब्लड प्रूफ जैकेट अगर पहन के आ रहा है तो कितनी बड़ी जो दिक्कतें होगी, और 2.5 साल से मैं इस गांव में नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये सब देखते हुए मैं बहुत पूर्ण रूप से सरकार से हमारा विश्वास है कि वो हमें जरूर न्याय दिलाएंगे।